राजधानी दिल्ली में नई संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर 4000 से ज्यादा लोग 2400 घंटे काम कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यहां का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने इसके बारे में तमाम जानकारियां लोगों को दी और कहा कि नई संसद भवन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इस साल दिसंबर में नई संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है। नई इमारत में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठे हुए दिखेंगे। सरकार ने ये वादा किया था कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद का शीतकालीन सत्र नई बिल्डिंग में ही होगा। अब सरकार की कोशिश है कि इस साल दिसंबर तक राज्यसभा और लोकसभा के दो चैंबर का काम पूरा कर लिया जाए। आज सुबह सुबह हरदीप सिंह पुरी ने नई संसद भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से स्थापत्य कला के साथ टिकाऊ अत्याधुनिक इमारत आधुनिकता और परंपरा का संगम है। इससे एक दिन पहले हरदीप सिंह पुरी ने 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद बताया कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर 4000 से ज्यादा लोग 2400 घंटे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की। नई संसद भवन के इंटीरियर में देश के प्राचीन सांस्कृतिक इमारत की झलक दिख रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नई संसद भवन के भीतर का डिजाइन आधुनिकता का परंपरा के साथ संगम है। संसद भवन की इमारत के भीतर की दीवारों पर शानदार नक्काशी है जो देखते ही बनती है। हरदीप सिंह पुरी सुबह सुबह नई संसद भवन के निर्माण कार्य को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हर हफ्ते निर्माण स्थल पर आता हूं। काम बहुत तेज स्पीड से चल रहा है। परियोजनाओं के पूरा होने को लेकर तारीख के बारे में घोषणा करना सरकार पर निर्भर है कि वो कब करेगी। बता दें कि नई संसद भवन के निर्माण की परियोजना नवंबर तक पूरी होनी है। जाहिर है कि दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। इमारत का सिविल कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग टच, इलेक्ट्रिकल समेत कई दूसरे काम अभी चलते रहेंगे। जाहिर है कि नई संसद बिल्डिंग का मूल मंत्र कंटिन्यूटी विद चेंज है, इसलिए नई संसद भवन का कलर स्कीम और आर्किटेक्चर पिछली संसद भवन की तरह ही रखा गया है। हालांकि नए फीचर्स में डिजिटाइज वोटिंग सिस्टम, डिबेटिंग चैम्बर के लिए बेहतर साउंड सिस्टम, संसद की कार्यवाही के लिए इंटीग्रेटेड इंटरफेस आदि की व्यवस्था, उसे बेहतरीन बनाने पर फोकस किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।